सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल बटन पे भी क्लिक करिए ताकि अगली वीडियो हमारी आपके पास सबसे पहले आए। हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन। आज हम लोग बात करेंगे SSC यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के बारे में। क्या है SSC, क्यों शॉर्ट सर्विस कमीशन डिफेंस सर्विसेज में इंट्रोड्यूस किया गया, ये सब तो हम आज की वीडियो में देखेंगे ही, पर साथ में आपके कई सारे क्वेश्चंस जो SSC को लेकर हैं, जैसे परमानेंट एंड शॉर्ट सर्विस कमीशन में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में से किस टाइप का कमीशन अच्छा होता है या किस कमीशन के लिए हमें ऑप्ट करना चाहिए, रिटायरमेंट के बाद हमें पेंशन मिलेगी या नहीं, और ऐसे ही कई सारे कॉमन डाउट आपके इस वीडियो को देखने के बाद दूर हो जाएंगे। देखिए इंडियन डिफेंस फोर्सेस मतलब इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स कई टाइप के कमीशंस ऑफर करती है, जिसमें से आप लोगों ने मेनली परमानेंट या शॉर्ट सर्विस टाइप के कमीशन के बारे में सुना होगा। अगर आप लोगों को सारे कमीशन टाइप्स के बारे में जानना है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। वैसे भी अभी तक किसी ने भी इसके बारे में बात नहीं की है, तो अगर आप चाहते हैं तो इस टॉपिक पर एक डिटेल वीडियो बन सकती है। तो वापिस आ जाते हैं SSC पे। तो ये कमीशन आपको मौका देती है डिफेंस फोर्सेज में एज एन ऑफिसर सर्व करने का, जिसमें आपको कंपलसरी मिनिमम 10 इयर्स की सर्विस करनी ही होगी, जिसको आप 4 ईयर तक के लिए एक्सटेंड भी कर सकते हो। मतलब SSC के थ्रू आप मैक्सिमम 14 इयर्स तक ही डिफेंस फोर्सेज में सर्व कर सकते हो। ये जो मिनिमम 10 इयर्स सर्विस का रूल है, ये टाइम के साथ और ब्रांच के अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। जैसे इंडियन एयरफोर्स में अगर आपने FCAT एंट्री के थ्रू फ्लाइंग स्ट्रीम ऑप्ट की है, देन आपको मिनिमम 14 इयर्स तक की सर्विस करनी ही होगी और इसमें आपको कोई भी एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, जो इंडियन एयरफोर्स की किसी दूसरी ब्रांचेज में नहीं है। फ्लाइंग के अलावा इंडियन एयरफोर्स की किसी भी ब्रांच में शॉर्ट सर्विस कमीशन का मिनिमम सर्विंग पीरियड 10 इयर्स ही है। वहीं मिलिट्री नर्सिंग सर्विस में मिनिमम 5 इयर्स की सर्विस करना कंपलसरी है। अब अगर बात करें शॉर्ट सर्विस कमीशन से परमानेंट कमीशन मिलता है या नहीं, तो हाँ शॉर्ट सर्विस से आपको परमानेंट कमीशन बिल्कुल मिल सकता है, पर ये कई सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सर्विस रिक्वायरमेंट, नंबर ऑफ वैकेंसीज अवेलेबल, विलिंगनेस ऑफ इंडिविजुअल, परफॉर्मेंस एंड रिकमेंडेशंस इन ACR जैसे कई फैक्टर हैं जिसके बेसिस पे किसी भी SSC ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, किसी भी शॉर्ट सर्विस कमीशन यानी SSC ऑफिसर को परमानेंट कमीशन या एक्सटेंशन ऑफ सर्विस ऑप्ट करने का 2 चांसेस दिया जाता है, जो कि उन्हें उनकी सर्विस के 6th एंड 7th ईयर में मिलता है। प्रॉपर सिलेक्शन प्रोसीजर के बाद ही किसी भी ऑफिसर को परमानेंट कमीशन दिया जाता है। एक और बात मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अगर आपको SSC से परमानेंट कमीशन मिल जाता है तो आप 8 मंथ की सीनियरिटी लूज कर देंगे, जो लॉन्ग रन में आपको थोड़ी प्रॉब्लम दे सकता है। अब अगर बात करें पेंशन की, तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि SSC ऑफिसर को रिटायरमेंट के बाद पेंशन नहीं मिलती है। यही नहीं बल्कि परमानेंट कमीशन ऑफिसर भी अगर प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेता है तो उसे भी पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स इंक्लूडिंग पेंशन नहीं दी जाती है। अब बात करते हैं आप सभी के कॉमन डाउट के बारे में, विच इज बेटर PC या SSC। देखिए इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, पर्क, रिस्पेक्ट, जॉब प्रोफाइल, आपको दोनों ही टाइप के कमीशन में कोई फर्क देखने को नहीं मिलेगा। दोनों ही कमीशन के अपने फायदे और नुकसान हैं और दोनों में ही अच्छा स्कोप भी है। अब लास्ट में सवाल आता है कि फिर किस टाइप के कमीशन को चूज करें, तो ये टोटली आप पर ही डिपेंड करता है। आपको ही देखना होगा कि आप 15 साल बाद क्या करना चाहोगे। अगर आगे जाके आपको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करना है तो शॉर्ट सर्विस कमीशन आपके करियर को अच्छी शुरुआत दे सकता है। बाकी मैं समझता हूँ कि आप सभी जानते ही होंगे कि किस एंट्री से किस टाइप का कमीशन मिलता है, तो उसको हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे। उसके लिए चैनल पे ऑलरेडी काफी वीडियो अवेलेबल हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपके शॉर्ट सर्विस कमीशन को लेकर जो भी डाउट हैं वो क्लियर हो गए होंगे, पर फिर भी आपका कोई सवाल है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक करें इस वीडियो को एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। आप इंस्टाग्राम पे हमें यानी डिफेंस डायरेक्ट एजुकेशन को फॉलो कर सकते हैं ताकि आपसे कोई भी डिफेंस रिलेटेड न्यूज़, अपडेट या एग्जाम नोटिफिकेशन मिस ना हो। जय हिंद।